एक्साइटिंग रहा है जो कि है आपका स्ट्रीमिंग सर्विसेज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जहां एक और नेटफ्लिक्स ने अपने सर्विसेज को पूरी तरह से फ्री कर दिया था स्ट्रीम फेस्ट में। वहीं दूसरी तरफ जो भी आपको न्यू बॉलीवुड मूवीज थे वो रिलीज हो रहे थे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ही, जैसे कि प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पे। और वहीं दूसरी तरफ हॉटस्टार और सोनी लिव जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका हमने रीइमर्जेंस देखा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2020 में वैसे कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं जो कि बेस्ट कहा जा सकता है और जो अच्छे रहे हैं। तो चलिए ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए अब यही बात हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से मैं बता दूं कि ये वीडियो के एंड में मैं टेलीग्राम ऐप से रिलेटेड भी कुछ बताऊंगा, इसका फीचर्स क्या है और इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना लिस्ट को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर वन जो अभी मार्केट में नंबर वन स्ट्रीमिंग सर्विस चल रही है जो कि है नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स पे जो आप बात करेगा इसके कंटेंट की, तो इसका कंटेंट इसमें आपको बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में प्रोवाइड हो रहा है, और इसका यही एक रीजन है इसके इतनी पॉपुलैरिटी गेन करने का। और इस पे आप अगर बात करें इसमें आपको बहुत सारा हाई क्वालिटी में इंटरनेशनल कंटेंट मिल जाता है जो कि क्वालिटी भी रहता है क्वांटिटी भी रहता है। बट अगर बात करें इसके इंडियन कॉन्टेंट की तो वो उतना भी कुछ खास नहीं है और उतना मुझे काफी उतना पसंद नहीं आया है। और फिर अब बात करें अगर इसके प्लान की, तो इसमें आपको जो लोएस्ट प्लान है वो आपको 200 का मिलता है, जिसमें आप इसको सिंगल मोबाइल डिवाइस दे सकते हैं। और इसके अलावा जो इसका सबसे महंगा वाला प्लान है वो आपको 800 का है, जिसमें आपको 4 स्क्रीन तो आप एक साथ देख सकते हैं, और आपको इसमें 4K डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस ये सब का सपोर्ट मिलता है। तो आप नेट इसमें स्ट्रीम में आपको जो भी इसमें मूवीज या वेब सीरीज रहते हैं जैसे कि डार्क है हो गया, डार्क वेब सीरीज हो गया, या फिर बहुत से मूवीज है जैसे आपका स्केप प्लान, फिर एक्सटेंशन ऐसे मूवीज आप उसमें दे सकते हैं जो कि आपको डॉल्बी विजन या डॉल्बी एटमॉस में भी मिलता है। तो क्वालिटी इसमें काफी अच्छी मिलती है, और इसका जो यूआई है वो आप काफी पसंद आया मुझे। ऐसे कि आप कोई भी मूवी या वेब सीरीज देखते हैं तो इसके उसके बेस पे आपको रिकमेंड करते हैं कि आप और कौन सा देख सकते हैं। और इसमें जो है आपको और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऐसे कोरियन हो गए या जर्मन मूवीज, जैसे कि आपको डार्क या कोरियन में आपको स्वीट होम जैसे वेब सीरीज और मूवीज मिल जाते हैं, तो आप इसको भी इंग्लिश में आप देख सकते हैं जिसका आपका इंग्लिश डब अवेलेबल रहता है यहाँ पर। और इसमें आपको जो प्लान रहते हैं वो आपको मंथली मंथली रिन्यूअल होते हैं, आप उसको चाहे तो 1 मंथ तक के भी आप इसको वापस प्लान को अपना अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसमें कोई भी और अदर सर्विसेज जैसे कि एडवांस सर्विसेज प्रोवाइडेड नहीं होते हैं, जैसे प्राइम वीडियो पे होते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने सेकेंड नंबर पे जो जो कि आपका अमेजोन प्राइम वीडियो, जो कि आपका इंडिया का कहिए एक नेटफ्लिक्स के साथ ही कंपटीशन चलता था कि कभी कॉन्टेंट मामले में कि ये कभी फर्स्ट रहता है कभी सेकेंड रहता है। तो इसमें जो आपको इंडियन कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा मिल जाते हैं, बट आपको जो इंटरनेशनल कंटेंट है वो इतना क्वालिटी का कंटेंट नहीं मिलता है या फिर क्वांटिटी में नहीं मिलता है। और इसमें आपको जो है इसका जो प्राइस पैकेज का प्राइस है जो प्लान इसमें रहते हैं, इसमें दो ही प्लान सिंगल प्लान है जो कि आपको 1000 रुपीज 1 ईयर के लिए रहता है। और अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप इसको मंथली रिन्यूअल पे सेकेंड क्रेडिट कार्ड पे मंथली रिन्यूअल पे 1 में भी ले सकते हैं। और इसके साथ आपको जो है अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिससे आप अमेजन प्राइम वीडियो, प्राइम म्यूजिक और प्राइम का शॉपिंग का भी बेनिफिट उठा सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। और आपको इसमें और भी जो बहुत सारे जो इंग्लिश टीवी शोज है वो आपको इसमें मिल जाएंगे, बट आपको इसमें जो इंटरनेशनल कॉन्टेंट है वो आपको बहुत कम मिलता है, बट आपको जो इंडियन कंटेंट और रीजनल कंटेंट है वह बहुत ज्यादा मिलेगा, जैसे कि आपको फैमिली मैन पाताल लोक जैसे कंटेंट जो टीवी सीरीज है वो आपको बहुत मिल जाएंगे। और आपको डिफरेंट लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये सब में मिल जाता है। अब जो आपका तीसरा थर्ड नंबर पे जो आपका स्ट्रीमिंग सर्विस है वो है आपका डिजनी प्लस हॉटस्टार, जो कि पहले हॉटस्टार के नाम से था जो कि रिवैम्प होके डिजनी प्लस हॉटस्टार बन गया है। और
और इसमें आपको जो है आपका डिज्नी का और मार्वल का जितना भी सीरीज है सब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो भी क्रिकेट मैचेस होते हैं जो कि स्टार नेटवर्क पे आएंगे वो सारे आप एंजॉय कर सकते हैं। अभी आईपीएल तो खत्म हो गया है तो आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप जो भी आपके मैच होंगे वो आप उसमें वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें आपको दो टाइप के प्लान आते हैं, एक है आपका वीआईपी प्लान और एक है आपका प्रीमियम प्लान। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि वीआईपी में जो है आपका 400 का है और प्रीमियम प्लान जो है आपका 1500 का है। तो प्रीमियम प्लान में कोई भी एड्स नहीं मिलेंगे और आप इंटरनेशनल कंटेंट जो इंग्लिश कंटेंट होता है उनका डायरेक्ट देख सकते हैं। बट आपको वीआईपी प्लान में कोई भी इंग्लिश डब या उसका इंग्लिश मतलब नहीं मिलेगा, आपको हिंदी डब मिलेगा, उसमें आपको एड्स के साथ मिलेगा, तो आप ये सब कर सकते हैं। और इसमें आप स्टार नेटवर्क के जितने भी मूवीज है और अभी बहुत सारे न्यू मूवीज जो भी आ रहे हैं वो आप हॉटस्टार पे भी आ रहे हैं तो उसे देख सकते हैं। और इसमें आपको ईयरली रिन्यूअल का सब्सक्रिप्शन रहता है और आप इसको जो है फ्लिपकार्ट से ही, अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर है तो आप उसको बाय कर सकते हैं वहां से। अगर का सुपर कॉइंस उतना है 400 सुपर कॉइंस में आप वीआईपी मेंबरशिप और 1600 सुपर कॉइंस में आप प्रीमियम मेंबरशिप बाय कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे। और इसके अलावा जो है आपको इस पे जो कंटेंट है वो काफी अच्छा मिलता है, बस आपको उसमें एक इशू ये है कि आपको एड्स बहुत ज्यादा आएंगे तो वो आप अगर आप एड्स थोड़ा सा एड्स है बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप लेते जाइए, नहीं तो फिर आप प्राइम प्रीमियम मेंबरशिप ले लीजिए। तो फिर अब आते हैं हम लोग जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट सर्विस है जो नंबर 4 पे मैंने रखा है वो है आपका सोनी लिव ऐप, जो कि आपका ये भी एक फिर से रिवैम्प किया गया है इसका यूआई को और पूरा तरीके से इसको रिवैम्प किया गया है। तो इस पे जो कंटेंट है वो भी काफी अच्छा है और जो इसका ओरिजिनल कंटेंट है यानी सोनी लिव ओरिजिनल जो है वह काफी अच्छा है। बट आपके इसके अलावा जो भी कंटेंट है वो उतना उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है और क्वान्टिटी भी बहुत कम है। जो आपका नॉर्मल शोज रहते हैं जैसे कि आप इसमें टीवी के जितने भी शोज है जो कि सोनी पर आप उसको देख सकते हैं बट उसमें भी आपको एड्स मिलेंगे थोड़े से। और उसके अलावा जो आप है इसके अलावा और भी बहुत से जो इसका लीव ओरिजिनल जैसे कि स्कैम 1992 जो कि हर्षल मेहता का स्टोरी था जो कि बहुत पॉपुलर भी हुआ है वो आप इस पर देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे और सोनी लीव ओरिजिनल जैसे कि अवरोध और इस टाइप के बहुत सारे आप देख सकते हैं आप इस पर। तो ये भी बहुत ही अच्छा स्ट्रीमिंग सर्विस है। और इसके बाद अगर बात करें तो जो फिफ्थ नंबर पे आप है वो है हम लोग का एमएक्स प्लेयर जो कि कई एक तरीका से फ्री सर्विस है एमएक्स ऑनलाइन जिसके नाम से पॉपुलर है एमएक्स प्लेयर ऑनलाइन। आगे से बहुत सारे वेब सीरीज देख सकते हैं जो कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कंबाइन होकर यहाँ पर आते हैं। तो आप फ्री में देखिए फ्री का है तो सब कुछ फ्री में सब कुछ लेना चाहता है बट यहाँ पर सब क्वालिटी और क्वान्टिटी उतना कुछ खास नहीं है। तो इन सभी स्ट्रीमिंग सर्विस की बात करें तो कुछ और भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज थे जिनको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप उनके तरफ जाए और मैं जानता भी नहीं जो एग्जिस्टिंग क्या करती है क्वालिटी और जो कॉन्टेंट है वो इतना खराब है कि क्या होता है जैसे कि ऑल्ट बालाजी और बाकी दूसरे इस टाइप के ऐप्स है जिसके उतने अच्छे क्वान्टिटी से प्रोवाइड नहीं होते। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस पर नीज है और इसके जितने भी रहते हैं वो आप कहीं ना कहीं आपको अवेलेबल हो ही जाते हैं तो उसमें मैं अभी आ रहा हूँ थाले में तो कैसे अवेलेबल होते हैं। और इन सब के अलावा कुछ नए एप्स और स्ट्रीमिंग सर्विस जैसे कि HBO Max या लाइन्स गेट प्ले वो अभी 2021 में लॉन्च होने वाले हैं। अभी एग्जैक्ट डेट तो अभी कन्फर्म नहीं है बट जैसे ही है मैं इसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो इस पर आपको HBO Max और लाइन्स गेट प्ले ये सब पे आपको जो कि आपका HBO का या फिर आपका जितना भी मार्वल का या DC का जितना भी मूवीज है और इससे रिलेटेड जितने भी टीवी शोज होंगे वो आपको इस पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही मिल जाएंगे। जिन थिएटर्स में रिलीज होंगे उस दिन आपको इस पे भी आ जाएंगे। और जितने भी टीवी शो सीरीज अभी आने वाले हैं जैसे कि व्हाट इफ मंडा विजन ये सब जितने भी आ रहे हैं सब इस पे अवेलेबल रहेंगे। और इन सब के अलावा यही थे कुछ जो भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज है। तो गाइस अगर आप लोग वीडियो में पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें जरूर से चैनल को और कमेंट में बताएं कि आप लोग ने अभी तक कितने वेब सीरीज देखी है और आप लोगों को कौन सी वेब सीरीज ज्यादा पसंद आई है मूवी कौन सी पसंद आई और किस प्लेटफॉर्म पर कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं मिलता हूँ आपको अगले साल, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर 2021।